तुमने अपनी आंखों से देखा था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। दयाला खून करके भाग रहा था, उसके हाथ में छुरा था। उसने खून से सना छुरा पानी में फेंका और गन्ने के खेत में गायब हो गया। ठीक है, ठीक है। तेरी चश्मदीद गवाही से दयाले को 14 साल की सजा हुई है, लेकिन वो इसका बदला जरूर लेगा। 14 साल जेल में रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। दयाले के पास 20 बीघे जमीन थी, 2 बैल, लेकिन शराब और जुए का ऐसा चस्का पड़ा कि सब चौपट हो गया। उसके चाले शुरू से ही टेढ़े थे। जेल में बच्चू सीधा सरंग हो जाएगा। पुलिस की मार से बड़े बड़े डाकू साधु हो गए। टेढ़ा आदमी कभी सीधा नहीं होगा, दयाला कभी नहीं सुधरेगा, वो बदला जरूर लेगा। शायद तुम ठीक कहते हो, मुझे उसके खिलाफ गवाही नहीं देनी चाहिए थी। लब्बू शाह, घोर कलयुग आ गया है, धरती पर पाप बढ़ता ही जा रहा है। अखबार खोलो तो 10 कत्ल, 20 डाके और 25 बलात्कार। राम 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 राम, धर्म की कोई खबर ही नहीं। अखबार कैसे बिकेगा पंडित जी अगर ऐसी खबरें ना छापें? दयाले की खबर भी छपी है अखबार में, हा? जरा देखो। भगवान कैसे बुद्धि भ्रष्ट करता है। हमारे मंदिर में आता था, भंडारे में 3 बार दिल खोल कर रुपया चढ़ाया था। जुए में जीता हुआ रुपया चढ़ाया होगा पंडित जी। आई लब्बू शाह, रुपये की कोई जात नहीं होती, चाहे जुए में जीता हो या डंडी मारकर कमाया हो, लक्ष्मी के चरणों में जाकर सब पवित्र हो जाता है। सुना सुना है दयाले को 14 साल की सजा हुई है बामुशक्कत। दीपो को फंसा गया पापी, घर में फूटी कौड़ी नहीं, पता नहीं कैसे गुजारा करेगी। ऊपर बैठा है सबकी सुनने वाला, चोंच दी है तो चुग्गा भी देगा। दीपो, दीपो, उठ बेटा, उठ। कब तक रोएगी? उठ। मर गया, मेरी
सब लुट गए, सब कुछ तो लुट गया। दिल छोटा मत कर, अल्लाह सबको किए की सजा लेता है। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा था, अल्लाह ने मुझको सजा क्यों दी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, क्यों उसने बड़ी जवानी में मुझे काट डाला? बता बुआ बता, बता, वरना मैं धरती के साथ टकरे मार मार के मर जाऊंगी। होश में आ लाडो, होश में आ, वो पगली हुई जाती है। मुझे कोई होश नहीं बुआ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बता बुआ, क्या गुनाह किया था मैंने? बेटी, तेरा सबसे बड़ा गुनाह ये था कि तू औरत है, जवान है, खूबसूरत है। तू दाग दे इस चेहरे को गरम गरम सलाखों से, ताकि मैं बकचकल हो जाऊं, कोई मेरी तरफ ना देखे और मैं चैन से जी सकूं। औरत की किस्मत में चैन कहाँ। चल उठ, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता। मैं उस दरिंदे को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं बेबस थी, अगर उस वक्त मेरे हाथ में दराती होती तो मैं उस पापी का पेट फाड़ डालती। क्या वक्त हो गया हवलदार जी? आधी रात से ऊपर, तुम अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही, बातें करने को जी चाहता है। सुनो हवलदार जी, मैं इन दीवारों से बातें करते करते थक गया हूं। अभी नए नए आए हो बरखुरदार, कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी। कितने खून किए हैं तुमने? एक। एक? कच्चे हो, पहला खून है ना, इसीलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही। अरे यहां तो ऐसे ऐसे कातिल हैं जो बीसियों खून करके बैठे हुए हैं। वो ताश खेलते हैं, ठट्ठा करते हैं और रात को मजे से खर्राटे लेकर सोते हैं। वो सोते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं, ना कोई आस है ना उम्मीद। तू कौन सी उम्मीद लिए बैठा है? उम्मीद सीने में है, छुपाए बैठा हूं इस उम्मीद को। न जाने उस वक्त क्या हो गया था कि उसी के भाई को कत्ल कर डाला जिस औरत से मुझे प्यार था। तो ये प्यार का मामला है हुँ? औरत का चक्कर। आप हंसते हो हवलदार जी, आपने उसे देखा नहीं? शहतूत की छड़ी की तरह लचकदार, हसीन, जैसे कुंवारी धरती पर कार्तिक की चांदनी बेहोश पड़ी हो। आदमी पागल हो उठता है। हवलदार जी, मेरी आंखों के आगे उसी का चेहरा डोलता है। सोचता हूं वो क्या कर रही होगी, किस हालत में होगी, मुझे कोस रही होगी। रह रहकर उसी का ख्याल आता है।
खाली घड़ा, अब तो फूटी कौड़ी पल्ले नहीं पड़ेगी। राम 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 राम। बेटी की जोड़ी वाहे गुरु ने सजा दी। तेरा साथ सजा रहे सरदारा, अल्लाह करे लाखों पे कलम चढ़े तेरी, चंदन के पल्ले में सोए मेरी राज दुलारी। अल्लाह तुझे खुश रखे नूरा। अल्लाह तुझे खुश। तेरी बोली शहद सी मीठी, अल्लाह की दुआ। तेरा मुंह मोतियों से भरने का जी चाहता है। ये ले ये रात तेरा इनाम। ये बसा रहे ये घर, ये आंगन, ये खेड़ा, मौला इसमें कभी कमी ना आए। उत्तम सेहा, सत श्री अकाल। आओ बैठो बैठो। आपने तो बेटे के जन्म पर भी इतनी खुशियां नहीं मनाई, जब अब मनाएं। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। ला बच्ची मुझे दे। ये ले, संभाल के भाई। लक्ष्मी मेरी लक्ष्मी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ बहुत सख्त हैं, मुझे दो, रोना शुरू कर देगी। भाई मूलचंद, बेटी के आने से तुम्हारा और मेरा रिश्ता और पक्का हो गया। कैसे भाई? प्रेम करे और लड्डू तो ले आ, हरी मिर्च लाने जोगी ही है क्या? जय सत श्री अकाल। अरे मूलचंद मुंह मीठा कर। अरे मूलचंद अपना हाथ आगे कर। ले भाई, ये रहा शगन, मेरी बेटी और तेरे करतारे का रिश्ता पक्का। इतनी जल्दी क्या है यार? अरे शुभ काम में देरी काहे की? और मेरी बेटी आज से तेरी और तेरा बेटा मेरा। क्यों
दोहरी खुशी का मौका है, भाभी से इजाजत तो ले ले। अरे इसकी इजाजत भी शामिल समझो। क्यों? कुछ सुना तुम लोगों ने? बेचारा दयाला 14 साल के लिए जेल में ठोक दिया गया है। ऐसे आदमी को तो फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। अरे सारा दोष दयाले के सर को मर रही हो। वो रांड दीपो कौन सी कम है, उसी ने बेड़ा गर्क किया है उसका। तो उसमें दीपो का क्या कसूर है? इसमें उसका कोई दोष नहीं। अरे जब जलती थी तो सीने पर कपड़ा तक नहीं दिखता था। ऊपर से भोली अंदर से गोली। क्या कह रही हो ताई? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम सबने तो अपनी आँखों पर पट्टी बांध रखी है, मगर पाप का घड़ा कब तक छुपाएगी? देखा नहीं उसका पाँव भारी है। हाँ। और नहीं तो क्या, अब भुक्ति बैठकर अपनी करनी को। अरे दयाले का तो बस नाम ही है। मैं तो कहूँगी पता नहीं ये किसका बीज है। अरे ऐसी को तो चोटी पकड़कर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ। अब बस भी करता ही, तूने क्या सारे गांव के इज्जत का ठेका ले रखा है? अरे अपने मंजी के नीचे सोटा फेर के देख, तेरी ननन भी तो गांव के झीवर के साथ भाग गई थी। अरे तू उस रांड की हमारे के लिए क्यों उतर आई है? तू नहीं बोल रही, तेरे बेटा हो गया है ना, इसलिए माश के आटे की तरह अकड़ रही है। क्या बोलती? अरे क्या बोली क्या, मैं बिल्कुल ठीक बोली हूँ। हाँ लेकिन मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। ऐसी हड़ामड़ को गांव में रहने का कोई हक नहीं है। हमने अपनी बहू बेटियों को नहीं बिगाड़ना। हाँ समझी? मुझको रोकने वाली? चूल्हा सांझा है, तेरी जागीर नहीं। इससे जुबान लड़ाती बेशर्म बेहजा, देखती तो कैसे रोटी लगाती। तूने मेरी फरार बहुत लगाई। तेरे को किस सांझा चूल्हे में दीपो का भी उतना ही हक है जितना हमारा। तू बीच में मत बोल पुष्पा, आज इसका मैं भाड़ा फोड़ कर ही रहूंगी। ना जाने किससे पेट जला लाइए। बस साथ निकल इस गाँव से, ले जा अपने पाप को भी अपने साथ। तेरी जीप जल जाए चुड़ैल। क्या कहा? अरे ये इस तरह नहीं मानेगी, इसका तो मुंह काला करना पड़ेगा। और धक्के मार के इसको निकालो गांव से बाहर। निकालो इसको बाहर। देख चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। कौन छुड़ा? हम छुड़ा दो इसको। काम की बेटी है, यही पैदा हुई, यही खेल कूद कर बड़ी हुई, इन्हीं गली गलियारों में इसकी आंखों ने सपने देखे। अब जब ये मां बनने वाली है तो तुम सब इसकी दुश्मन हो गई। और लख लानत, तुम्हें सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। वह इसकी कोख में जीव पल रहा है, ये गर्भवती है, पूजा के काबिल। ऐसी हालत में इसे गांव से निकालने की बात करना भी महापाप है। वाहेगुरु तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जब तक उत्तम सिंह जिंदा है,
इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस शुक्र है।